Hi, scholars, welcome to our channel Academia Unlimited. Today we are in Ranakpur, which lies in the district of Pali, Rajasthan. Many of you would have visited or have read about Ranakpur Jain temples, which is a very famous historical site and a tourist site. But very few of you would be knowing that right behind the Jain temples at Ranakpur is this beautiful old and ancient temple which is called the Surya temple. This temple was built in the 15th century by Maharana Kumbha, the great ruler of Mewar. Now, Maharana Kumbha, as you all know, had erected many important fortresses and forts all across Rajasthan and also erected many iconic temples. This temple is one of them, and this temple also shows that Maharana Kumbha himself was a worshipper of Surya. This is Mandir ki location strategic, beautiful, or Ramni hai? This is सघन वनों या फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और इनफैक्ट कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठीक नज़दीक स्थित है उदयपुर और जोधपुर के बीच में से गुजरने वाला जो पुराना हाईवे है वो भी इस मंदिर के सामने से निकलता है और आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप उदयपुर से जोधपुर की तरफ आ रहे हैं तो जिस एग्जैक्ट स्पॉट से रनकपुर की घाटी का उतार शुरू होता है उस एग्जैक्ट स्पॉट से आप रणकपुर का जैन टेम्पल और इस सूर्य मंदिर को स्पॉट कर सकते हैं हमने जब ये वीडियो बनाया था तो संध्या आरती का समय था और अगर आप इसके ऑडियो पर गौर फरमाएंगे तो आपको आरती की आवाज़ भी सुनाई देगी ये टेम्पल सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छी कंडीशन में है यहाँ पर कोई भी आक्रांता या आक्रमणकारी आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाया था इसलिए ये मंदिर बिल्कुल अनमोलिस्टेड है और एक एक पत्थर इस मंदिर का वैसा ही है जैसा 600-700 साल पुराना था इसलिए हम इस टेंपल को आर्किटेक्चर या स्थापत्य की दृष्टि से बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये टेंपल या मंदिर स्थापत्य या मंदिर आर्किटेक्चर के नज़रिए से एक नायाब नमूना है इस मंदिर में भूमिज और शेखरी शैली दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है इस मंदिर के मंडप के भद्र भाग में बैल्कनी का प्रयोग देखने को मिलता है और वहीं मंदिर के एंट्रेंस पर मुख्य चतुष्टिकी के दर्शन देखने को मिलते हैं इस मंदिर की जो जगती है या जो प्लिंथ होती है जिस हाइट या बेस पर मंदिर को बनाया जाता है वो भी बहुत हाई है और इसमें स्टेयर्स या सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है इसके अलावा इस मंदिर में सूर्य के वाहन यानी कि जो सात घोड़े होते हैं जो सूर्य का रथ खींचते हैं उनको बहुत ही सुंदरता और प्रसिशन के साथ पत्थरों पर उकेरा गया है साथ साथ घोड़े के समूहों को इस तरीके से स्कल्पचर ने पत्थर में शक्ल दी है जैसे वो एक कमल का फूल या पुष्प लगते हैं मगर जब आप नजदीक जाकर देखते हैं तब आपको उन घोड़ों की आकृति समझ में आती है इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि इस मंदिर का जो मेन शिखर है उसके अंदर छोटे छोटे कई लघु शिखर या मिनिएचर शिखर भी देखने को मिलते हैं शिखर में जो लता है वो भूमिज शैली जैसी रिजेंबल हो रही है So, I hope you must have liked and enjoyed this video. Please do like, share, and subscribe to our channel Academia Unlimited. Have a nice day. Thank you.